अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे आप लोग। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे घर पे कंस्ट्रक्शन का कुछ काम चल रहा है, तो उसी सिलसिले में ये हमारे नौमान भाई हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स की कंप्लीट शॉपिंग कर दी। कैमरा थोड़ा सा करीब कर लें, काफ़ी दूर हो गया था। ठीक है, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक का सारा सामान खरीदा, जिसमें इन्होंने जितने भी हमारे वायर्स वगैरह थे जो के जिसकी जिसको वायरिंग कहते हैं, है ना, सही है ना, कॉइल्स और वायरिंग जो भी जितना भी सामान होता है ये सब लेकर आए। कहाँ से लेकर आए? वाटर रूम आए। कोई फायदा हुआ वाटर रूम जाने का या नहीं? यहाँ पर 7C पे हमने रेट पूछा था और वाटर रूम का रेट पूछा था, दोनों में 4000 का डिफरेंस था। 7C का जो बस स्टॉप है, यहाँ पर जो शॉप्स वगैरह हैं यहाँ पर थोड़ा सा महंगा सामान है। अगर आप लोग वाटर रूम चले हैं तो वहाँ पे सामान जो है वो सस्ता सामान है। जाहिर सी बात है, वो होलसेल की पूरी एक मार्केट है, वहाँ पर सारी चीज़ें ही सस्ती मिलती हैं। अच्छा, ये कॉइल है, ब्लैक कलर की कॉइल है, मिलियन की कॉइल। कितने की कॉइल है मान? ये 2350 रुपये की, 2350 3 29 की कॉइल है। उसमें कितने मीटर है कुछ पता है? 90 मीटर इसमें वायर है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ये इसका कॉम्बिनेशन रेड और ये दिया हमारे पास ब्लैक। तो ये कितने मीटर है? 90 मीटर। ये भी 90 मीटर है। तो इसमें उसमें क्या फर्क है? उसका सर्किल छोटा है, इसका सर्किल बड़ा है। ये मोटा कार है, 729 है। 729 है और नहीं, ये तो 736 लग रहा है। 736 और वो 329। ये एसी के लिए होता है? ये आपकी पूरे घर की वायरिंग के लिए यूज कर सकते हैं, एसी फ्रिज ओवन वगैरह। एसी फ्रिज ओवन वगैरह सब में, मतलब जो हैवी इक्विपमेंट्स है उस पर ये चलेगा और पंखे लाइट्स वगैरह इस पर चलेंगे। हाँ, तो अगर हम यही वाली कॉइल पूरे घर में बिछा देते हैं कॉस्टली बहुत पड़ जाता। ये कितने की पड़ी है हमें? ये हमें पड़ी है तकरीबन 8500 रुपये। एक कॉइल 8500 की पड़ी है और ये वाली एक कॉइल ये 2350 ये डबल हो गए। अच्छा, ये वाली एक और कॉइल लग गई है, ये कितने की पड़ी है? ये भी वही 736 की। ये भी 736 की। ये कितने की पड़ी है? और भी 7500। ये भी 7500। ये भी 7500। अच्छा, इसका दो कॉइल और, इसकी क्या खास बात है? ये जो है आप इसको एसी की वायरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कितने की है? 729 है। ये 729 है, इसकी प्राइस है वो 4950। 4950 एसी है। तो ये तो आपने ये लिया था, ये वाला लिया था, ये हम पूरे घर की वायर जो है मेन मीटर तक जोड़ने के लिए, ये 7736 पूरे मेन तक जाएगा और ये एसी के लिए। ये एसी के लिए है, सही हो गया। यानी कि अच्छी खासी जो है ना महंगी वो केबल आ गई। तो और क्या सामान है इसके अलावा, ये भी देख लेते हैं। ये क्या चीज़ है? ये सिलेक्टर का बॉक्स है। सिलेक्टर का बॉक्स मतलब जो बाहर हम सिलेक्टर जनरेटर में करने के लिए। ठीक है, ठीक है, ओके हो गया ये। और ये है हमारे पास, ये सिलेक्टर है शायद, सिलेक्टर भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी का सिलेक्टर मुझे लग रहा है। ये मैं दिखाऊँ, ये सिलेक्टर है, अभी अच्छी क्वालिटी का है। कितने का लिया ये? ये तकरीबन 700 रुपये का सिलेक्टर है। 700 रुपये का सिलेक्टर, चलो प्रॉपर है। इसके अलावा ये होल्डर्स नहीं है, होल्डर कितने कितने के हैं? होल्डर 150 रुपये का। 150 रुपये का एक होल्डर है। ये 50 रुपये का एक है। 50 रुपये का एक है, सही है। और फिर ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये भी अच्छा लिया है, 5 का सही है। इसके बाद ये कितने का? ये 8 का बोर्ड है और 850 रुपये की शीट है। 850 ये स्विचेस के साथ, स्विचेस के साथ 850 रुपये की शीट आ गई है। और क्या सामान, और ये सब क्या है? ये पाइप के बैंड, जंक्शन बॉक्स, जंक्शन बॉक्स वगैरह जो इंटरनल वायरिंग के लिए यूज होते हैं, कंसील वायरिंग के लिए यूज होते हैं, ये सारा वो सारा सेल में भरा हुआ है। अजीब सी स्मेल आ रही है इसमें से। ये एक और आ गया, 2 सॉकेट और 2 स्विच। और फिर ये लाइट्स, ये लाइट्स मेरे ख्याल से यहाँ पे लगेंगी, ये लाइट्स, ये देखिए
ये लाइट इसके पीछे लगेगी। और क्या क्या चीज़ें हमारे पास, ये अगेन एक आगे इस्त्री वगैरह के लिए, ए सी के लिए। ये क्या चीज़ है, ये ब्रेकर है, ये ब्रेकर है हमारे पास। एक ये ब्रेकर कितने का मिला, ये ब्रेकर तकरीबन 300 रुपये का। कितने एम्पेयर का है, 15 एम्पेयर का। 15 एम्पेयर का, 15 एम्पेयर का। और इसमें 2 ईयर गारंटी लिखा हुआ है, गारंटी कार्ड बना के दिया है उसमें। नहीं, ये एसी के लिए, एसी के लिए, घर के कमरों के लिए, किचन के लिए। ठीक है, और देख लेते हैं सामान। एक टेप, टेप कितने का मिला, टेप तकरीबन 50 रुपये। 50 रुपये। ये वाइट में क्यों लिया है, क्योंकि किचन की सारी वो दी थी ना वाइट, किचन की सारी वाइट ही है। लेकिन किचन में क्योंकि अक्सर खाना पकाते हो हाथ वाथ भी खराब होता है, तो जल्दी खराब हो जाएंगे। ये फिनिश का है तो खुला ही रहेगा, फिनिश का खुला ही रहेगा। चलो खैर, अच्छा लग रहा है काफ़ी। इसकी जो शीट है बड़ी प्यारी सी शीट है। ये अगेन एक बार आ गया ब्रेकर, और ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। इसके अंदर ये कहाँ गए, तीन सॉकेट और एक स्विच। नीचे आपने बोला था ना चार्जर। हाँ हाँ हाँ, ये इसके अंदर हमने जो है ना एक एक्वेरियम का देना है, और एक एक्वेरियम की लाइट का आ गया, एक्वेरियम के उसका आ गया, फिल्टर का आ गया, और एक ये मोबाइल चार्ज वगैरह करने के लिए, ये इस्त्री वगैरह करनी है तो उसके लिए। और एक टेप और लिया है मेहमान ने, और एक लाइट एक और है हमारे पास, और फिर एक ये ब्रेकर है एक और। ये भी हो गया सारा सामान। चलिए ये बताओ कि ये सारा सामान, ये पेंच वगैरह है, ये सारा सामान कितने का मिला। ये सारा सामान 37,000 का। 37,000 रुपीज़ का है जस्ट ये सामान है थोड़ा सा कुछ। तो कैसा लगा आपको शॉपिंग करके? अच्छा लगा, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। फिर क्या करना चाहिए, वायरिंग नहीं करवाए, मोमबत्ती चला, वायरिंग भी करनी चाहिए। और कुछ सामान है या बस यही सामान? बस यही। मैं आप लोगों को एक दफ़ा करीब से सारा सामान दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे स्विचेस वगैरह रखे हैं। और ये सामान है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।